यहाँ पर अगर आपको 8,000 बजट के अंदर यानी 8,000 रुपया के अंदर एक सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन परचेस करना है तो यहाँ पर आप एकदम सही एंड करेक्ट वीडियो पर क्लिक किए हो भाई, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 8,000 बजट। जी हाँ भाई, पाँचों फोन्स का मैं आपको नाम बताऊँगा जो अभी के टाइम में 8,000 बजट के अंदर यानी 8,000 बजट के अंदर सबसे बेहतरीन एंड सबसे बेस्ट फोन है, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। उससे पहले भाई चैनल पे नहीं आ रहे हो और ऐसे ही बेस्ट फोन की वीडियो आप हमारे चैनल पे फ्यूचर पे देखना चाहते हो तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है भाई उसको आप जरूर तौर पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो 8,000 बजट के अंदर अगर आपको एक बहुत ही बेस्ट फोन चाहिए तो वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप करते हुए लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल के वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर नंबर 5 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है 8,000 बजट के अंदर, वो भाई 8,000 रुपये के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन हो जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ, अगर आपको इन्फिनिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन फोन चाहिए 8,000 बजट के अंदर तो ये वाला डिवाइस आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है भाई। जी हाँ, इस डिवाइस का यहाँ पर नाम है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। जी हाँ, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले काफ़ी बढ़िया फोन हो जाता है, यानी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन हो जाता है 8,000 बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.82 इंच का HD प्लस पंच होल डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो बैक पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। तो यहाँ पर इस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले डिवाइस की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर यूनिसॉक 610 का एक अच्छा खासा आपको प्रोसेसर मिलता है इस डिवाइस के अंदर। इसके बाद बैटरी की बात करें तो 6000 mAh का बैटरी मिलता है आपको 10 वाट के चार्जर के साथ। कैमरा की बात करें भाई तो यहाँ पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड सामने यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले डिवाइस के अंदर। इसकी भाई मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 पर ये डिवाइस देखने को मिलेगा। इसके कैमरे के अंदर आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे यानी फुल HD पर। सुपर स्लो मोशन का फीचर मिलता है, नाइट मोड का फीचर मिलता है, रैम एक्सटेंशन का फीचर आपको देखने को मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। आप दोस्तों फाइनली बात करें इसकी प्राइस की तो फ्लिपकार्ट के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको 8,500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, 8,500 रुपये के अंदर ये जो इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले डिवाइस है बहुत ही बेहतरीन एक चॉइस हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर आपको फीचर्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है इसके प्राइस के अनुसार। तो यहाँ पर नंबर 4 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई ये भी 8,000 रुपये के अंदर यानी 8,000 बजट के अंदर काफ़ी एक बेहतरीन स्मार्टफोन हो जाता है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, अगर आपको 8,000 बजट के अंदर एक रेडमी का बहुत ही बढ़िया फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इस डिवाइस का नाम है रेडमी 10 है। जी हाँ, रेडमी 10 वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट डिवाइस हो जाता है 8,000 बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.53 इंच का HD प्लस TFT IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 400 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ। तो ब्राइटनेस आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, 9 mm का थिकनेस मिलता है एंड 194 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर, यानी 194 ग्राम का आपको वेट मिलता है तो ज़्यादा भारी आपको देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G25 एक नॉर्मल सा प्रोसेसर मिलता है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है पर एक ठीक ठाक सी प्रोसेसर हो जाता है इसके बजट के अनुसार। इसके बाद बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट के चार्जर के साथ। अब दोस्तों इसकी कैमराज की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है एंड 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा कैमरा सेटअप मिल जाता है रेडमी 10 डिवाइस के अंदर। इसके बाद मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रैम एक्सटेंशन का फीचर मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12.5 के साथ, एंड्रॉयड 11 पर यह डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई फाइनली बात करें इस डिवाइस की प्राइस की तो अमेजोन के अंदर भाई, जी हाँ, अमेजोन के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको यहाँ पर 8,300 रुपये के अंदर मिल जाएगा। जी हाँ भाई, 8,300 बजट के अंदर ये रेडमी 10 डिवाइस आपको मिल जाएगा, यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा है 8,000 रुपये से, यानी 8,000 रुपये से। तो अगर आपको एक रेडमी का बहुत ही बेहतरीन फ़ोन चाहिए 8,000 बजट के अंदर तो ये डिवाइस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाला है। तो यहाँ पर भाई नंबर 3 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है ये रियलमी की तरफ से। जी हाँ भाई, अगर आपको 8,000 बजट के अंदर एक रियलमी का बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इस डिवाइस का यहाँ पर नाम है रियलमी नार्जो 50i प्राइम। जी हाँ,
Realme Narzo 50 Prime काफ़ी एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो जाता है 8000 बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 400 nits के पीक ब्राइटनेस के साथ। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, 182 ग्राम का वेट मिलता है, 8.5 mm थिकनेस मिलता है। प्रोसेसर की बात करें भाई इस डिवाइस की, तो यहाँ पर भी आपको यूनिसॉक की तरफ से यूनिसॉक T612 का एक अच्छा खासा आपको प्रोसेसर मिलता है इसके प्राइस के अनुसार। बैटरी की बात करें भाई तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट के चार्जर के साथ, 10 वाट के चार्जर के साथ। कैमराज की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ, यानी 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, एंड सामने आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इस डिवाइस के अंदर। इसकी भाई मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI के साथ एंड्रॉयड 11 पर ये डिवाइस देखने को मिलेगा, UFS 2.2 आपको मिलेगा, उसके साथ साथ इसके कैमरा के अंदर आप फुल HD पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, यानी 1080p पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके साथ साथ इस कैमरा के अंदर आपको नाइट मोड, सुपर स्लो मोशन वगैरह बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है फीचर्स यहाँ पर भाई, ठीक है ना, जो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एंड बहुत ही बेहतर बात हो जाता है आपके लिए। आप दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरियंट है वो एग्जैक्टली एकदम 8000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। जी हाँ भाई, एग्जैक्टली 8000 रुपये के अंदर रियलमी नार्जो 50i प्राइम डिवाइस आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर आपको एक रियलमी का फ़ोन चाहिए तो रियलमी फ़ोन अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसका डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर 2 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है ये भाई मोटो की तरफ से। जी हाँ, अगर आपको मोटोरोला का एक स्टॉक एंड्रॉयड के साथ यानी मोटो का बहुत ही बेहतरीन फ़ोन चाहिए 8000 बजट के अंदर, तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चॉइस होने वाला है भाई। जी हाँ, यहाँ पर इस डिवाइस का नाम है मोटो E40। जी हाँ, मोटो E40 वन ऑफ द बेस्ट बढ़िया फ़ोन हो जाता है 8000 बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, 9.1 mm का थिकनेस मिलता है, 198 ग्राम का वेट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको बैक पे यानी पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इस डिवाइस के अंदर। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक T700 का प्रोसेसर मिलता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट के चार्जर के साथ। इसके बाद कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बेहतरीन आपको मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है इस डिवाइस के अंदर, एंड सामने यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके बाद मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्टॉक एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड 11 पर ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। इसके कैमरा के अंदर आप फुल HD पर यानी 1080 पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको HDR मोड मिलता है नाइट मोड के साथ, एंड उसके साथ साथ सुपर स्लो मोशन का फीचर भी आपको मिल जाता है मोटो E40 डिवाइस के अंदर। अब भाई इसकी प्रोसेसर के बाद हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो फाइनली यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको एग्जैक्टली 8000 बजट के अंदर देखने को मिल जाएगा भाई। जी हाँ, एग्जैक्टली 8000 बजट के अंदर मोटो E40 डिवाइस काफ़ी एक बेहतरीन डिवाइस हो जाता है अगर आपको मोटोरोला का एक बहुत ही बेहतरीन फोन चाहिए इस प्राइस स्टेटमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर नंबर 1 पे भाई जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई ये 8000 बजट के अंदर यानी 8000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन है। जी हाँ भाई, अगर आपको 8000 बजट के अंदर एक रियलमी का बहुत ही बेस्ट एंड बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन परचेस करना है तो डेफिनेटली भाई ये वाला डिवाइस आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इस डिवाइस के यहाँ पर नाम है रियलमी C33। जी हाँ, रियलमी C33 अभी के टाइम में 8000 बजट के अंदर सबसे बढ़िया फ़ोन हो जाता है, क्योंकि इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 400 nits के पीक ब्राइटनेस के साथ। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, 8.3 mm का आपको थिकनेस मिलता है। अब इसकी प्रोसेसर की बात करें भाई तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक T612 का एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर मिलता है 8000 बजट के अनुसार। अब दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट के चार्जर के साथ। कैमराज की बात करें भाई तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, एंड सामने यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इस डिवाइस के अंदर। आप दोस्तों इसकी फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको रियलमी UI के साथ एंड्रॉयड 12 पर ये डिवाइस मिलेगा, LPDDR4X आपको रैम टाइम मिलेगा, UFS 2.2 आपको स्टोरेज टाइम मिलेगा इस डिवाइस के अंदर, एंड इसके कैमरा के अंदर आप फुल HD पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, यानी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है।
सुपर स्लो मोशन का फीचर मिलता है, नाइट मोड का फीचर मिलता है एंड कैमरेज के अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा फीचर्स देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग फाइनली बात करें इस Realme C33 डिवाइस की प्राइस की, तो इसका फ्लिपकार्ट के अंदर जो प्राइस है इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको 9000 रुपये के अंदर मिलेगा। जी हाँ भाई, यहाँ पर 9000 रुपये इसका प्राइस है। तो अगर आपको परचेस करना है 8000 बजट के अंदर एक बहुत ही बेस्ट फ़ोन, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो भाई, आपको एकदम सबसे बेहतरीन फ़ोन मिल जाएगा। और अगर आपको एकदम 8000 रुपये के अंदर ये फ़ोन चाहिए तो ऑफर का वेट करो भाई, ऑफर के अंदर आपको आराम से 8000 रुपये के अंदर, 8000 रुपये के अंदर Realme C33 डिवाइस देखने को मिल जाएगा, जो आई थिंक सबसे बेहतरीन फ़ोन हो जाता है 8000 बजट के अंदर। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे पांचों फोन्स कौन से हैं जो आपको 8000 रुपये के अंदर अभी के टाइम में इंडियन मार्केट पे परचेस करना चाहिए। तो जो पांचों फोन्स का मैं आपको नाम बताया, इनमें से किसी एक फ़ोन का भाई डेफिनेटली परचेस कर लेना, क्योंकि पांचों के पांचों बेस्ट है। आपका जो बजट है, आपके बजट के अनुसार किसी एक फ़ोन को आप डेफिनेटली भाई परचेस कर लेना। तो भाई लोग आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला आप वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को पता चल जाए यहाँ पर पांचों फोन्स कौन से जो आपको 8000 बजट के अंदर इंडियन मार्केट पे अभी के टाइम में परचेस करना चाहिए। उसके साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ज़रूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई, ठीक है ना। तो फिलहाल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आपका फीडबैक भाई ज़रूर से देना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस यार इतना ही।